नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ 672वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख सकते हैं आसान तरीके से। जी हां दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय सोचने लगते हैं कि क्या उच्चारण होगा या किसी वर्ड में जाकर अटक जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि ए ई आई ओ यू का उच्चारण कैसे होगा जो कि बार बार हर एक वर्ड मीनिंग में आते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दिखाने वाले वीडियो को वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे बेसिक चीज़ है अल्फ़ाबेट के बारे में जानना कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं या वर्णमाला किसे कहते हैं। तो बताइए कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, लोग जानते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं, एक्चुअली 26 लेटर होते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट नाम दिया गया, जिसमें ए ई आई ओ और यू ये पाँच जो है ये हमारा पांच वॉवेल है। और हमारा अंग्रेजी नहीं पढ़ने के पीछे कारण यही है, होता है ना, हर एक कोई भी समस्या होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए, तो ये सॉल्व करने का यही चाबी कही है या यही रीज़न है। तो चार से पांच तरह से इसका उच्चारण होता है, लोग एक्चुअली एक ही उच्चारण करते हैं, इसी वजह से गड़बड़ होता है। तो मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे उच्चारण करना है। दूसरी बात कि जो बसता है 21 है और ये कॉन्सोनेंट जो है दोस्तों सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण एक तरह से होता है, मैक्सिमम दो तरह से होता है, सिर्फ टी वाले में ही जो है चार तरह से होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन में मैं बताऊंगा कि तीन भी है, तो चले उसको भी देखेंगे। तो पहले ये तो था इसका अल्फ़ाबेट के बारे में नॉलेज। दूसरे वर्णमाला के बारे में, तो वर्णमाला में दो चीज़ होते हैं, एक तो स्वर होता है जिसका संख्या 14 होता है और व्यंजन में व्यंजन की संख्या 36 होता है, दोनों सेपरेट होते हैं, ऐसा नहीं कि अल्फ़ाबेट के तरह होता है। जैसा कि आप जानते होंगे हिंदी माध्यम से भी आपने बहुत ही पढ़ाई किया होगा अच्छे तरह से। अब देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, ये तो आप समझ गए कि ए ई आई ओ और यू, इससे छोड़कर जितने सारे लेटर्स होते हैं उसे कॉन्सोनेंट बोला जाता है, जिसमें बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं और ज भी बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जे को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, उसके बाद दोस्तों जे को ज बोलते हैं, के को क बोलते हैं। देखिए सी से भी क होता है, सी फोर क और के फोर भी क होता है, एल से ल होता है, एम से होता है म, एन से न ड भी होता है, पी से होता है प, उसके बाद क्यू से क्यू, आर से र ड भी होता है, एस से स होता है, एस से ज भी होता है। अब देखिए यहाँ पर तीन चार जगह ज हो गया, एक तो डी में, एक जे में, एक दूसरा जो जी में और एस में ज का उच्चारण हुआ। दूसरी बात दोस्तों कि टी से ट था तो होता है, चौसा भी होता है, ये चौसा के लिए समझना होगा आपको कि देखिए जैसे टी यू आर ई इसको बोलते हैं चर पढ़ते हैं, ठीक है, चर बोलते हैं या चर पढ़ते हैं, ये एक अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग, कोई भी वर्ड मीनिंग उसके अंत में आता है, कोई भी मतलब कि जो इससे रिलेटेड बनते हैं उससे, जैसे फर्नीचर है, नेचर है। दूसरा बात है टी यू ए एल, जी हाँ दोस्तों टी यू ए एल इसको बोलते हैं चुअल, और ये चुअल जो है दोस्तों जाहिर सी बात है वर्ड मीनिंग के अंत में ही आएगा, जैसे एक्चुअल और ये फैक्चुअल वगैरह। अब देखिए टी आई टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी देखिए सन बोलते हैं, और टी आई एल को बोलते हैं सी एल, तो दोस्तों सी एल जो है सी एल आप जैसे बहुत बड़े मीनिंग में जैसे कि कॉन्फिडेंशियल वगैरह जब वर्ड मीनिंग देखते हैं उसमें मिल जाएगा, या और भी बहुत सारे, सन देखिए कंडीशन है, बहुत सारे में कंडीशन है, और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग में आपको ये सन मिलने के। अब इसका उच्चारण आप देखते हैं, अब देखिए भी से वह होता है, डब्ल्यू से भी वह होता है, एक्स को एक्स बोलते हैं, लेकिन एक्स जब अंग्रेजी वाले वर्ड बन गए आएंगे तो ई एक्स करके आएंगे, वहाँ पर आपको समझना होगा कि ई एक्स को ही एक्स बोलेंगे, यहाँ पर एक्स पढ़ रहे हैं लेकिन ऐसा बहुत कम वर्ड मीनिंग, ज़्यादातर वर्ड मीनिंग जो आपको ई एक्स करके मिलेंगे। वाई से यह होता है, जेड से ज झ आदि होता है। आप देखिए पी ए टी आई ई एन टी को क्या बोलते हैं, उच्चारण जिनको पता हो वो जरूर मुझे बताएं कमेंट करके। अब चलिए दोस्तों वॉवेल पे आते हैं, वॉवेल का हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, और ए को सिर्फ ए ही नहीं बोलते हैं, सिर्फ ए को ए ही नहीं बोलते बल्कि अ आ और ए भी बोलते हैं। अब जहाँ तक ई की बात है दोस्तों, तो ई को सिर्फ ई ही नहीं बोलते या छोटी या बड़ी ही नहीं बोलते बल्कि अ आ या और ए भी बोलते हैं। आई को दोस्तों सिर्फ आई नहीं बोलते बल्कि आई के अलावा जो है अ आ ई ई बोलते हैं, और ओ को सिर्फ ओ ही नहीं बोलते बल्कि ओ के अलावा अ आ उ भी बोलते हैं, यू को सिर्फ अ आ उ मतलब वो ही नहीं बोलते ई ई, एक्चुअली देखिए ई यू तो बोलते ही हैं
आ ऊ भी बोलते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है। एक वर्ड मीनिंग मैं ले लेता हूँ, जैसे डबल ओ के बाद देखिए, तो डबल ओ के जो है वो अ आ ऊ, देखिए ऊ तो बोला जाता है लेकिन इसके अलावा अ आ ओ और ऊ बोलते हैं। अब एक वर्ड मीनिंग है रिमेम्बर का, रिमेम्बर मीन्स याद करना होता है, तो रिमेम्बर में ये देखिए तीन गो ई है, यानी तीन ई इसमें आया है, उसके अलावा कोई भावल नहीं है ना। जिसमें पहला ई जो है वो ई कार की मात्रा के रूप में यूज हुआ है, दूसरा ई ए कार की मात्रा के रूप में, और तीसरा ई जो है अ के रूप में यूज हुआ है ना। अ का कोई चिन्ह होता नहीं इसलिए मैंने दिया भी नहीं है। इसको ऐसे लिखते हैं री, ठीक है, तो ये ई कार के रूप में हुआ है, छोटी के रूप में, ए को ए कार के रूप में और अ को अ के रूप में, तो रीमेम्बर रीमेम्बर इस तरह से लिखते हैं। आप बताइए एक ही वर्ड मीनिंग तीन ई जो तीन तरह से, एक अ के रूप में, पहला जो ई है वो छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है वो ए के रूप में, तीसरा ई जो है वो अ के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो हर एक वर्ड मीनिंग के साथ ऐसा ही हो रहा है। आप चले व्यंजन पे बात करते हैं, तो व्यंजन देखिए किसे कहते हैं, इसे याद कर लीजिए कॉपी पे नोट करके। क से के होता है, ख से केच, ग से जी, घ से जी एच, अंग से एन जी, इससे ये लोग भूल जाते हैं, इसे याद रखेंगे। च से सी एच, छ से सी डबल एच, ज से जे, झ से जे एच, य से वाई एन, इससे भी भूल जाते हैं लोग। ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ण से न, त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, और ण से एन, प से पी, फ से पी एच, व से बी, भ से बी एच, और म से एम, य का वाई, र का आर, ल का एल, व का वी डब्ल्यू, तालाब से कैसे, मूर्धन से कैसे, दन से कैस, ह के लिए जो है एच, अक्षर के लिए के से, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। दोस्तों अंग्रेजी भी याद करना होगा इसका, तभी आप किसी भी अंग्रेजी में किसी का नाम लिख पाएंगे, पता लिख पाएंगे या पढ़ पाएंगे। पढ़ना भी दिक्कत है, मान लीजिए लिख दें हिरोशिमा, है ना, हिरोशिमा कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं है, हिरोशिमा एक जो है जैपनीज वर्ड है, हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा, तो ये तो जैपनीज वर्ड है, लेकिन फिर भी कैसे लिखेंगे हिरोशिमा। तो हिरोशिमा ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में आपने देखा होगा, अगर आपने हिरोशिमा आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ऐसे, तो ये हिरोशिमा है, एग्जैक्ट एक्चुअली श को एस एच बोलते हैं या जो भी, तो उसी तरह से होगा। मान ली तालाब, तालाब शाह भी बोलेंगे तो एच यहाँ जोड़ दीजिए, उसके बाद आई होगा, तो यहाँ तालाब शाह कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, चलिए ये भी करते हैं हिरोशिमा। तो ये अंग्रेजी नहीं बल्कि एक जैपनीज वर्ड है, लेकिन हिंदी में हम लोग ऐसे लिखते हैं और अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं। अगर पढ़ने ही नहीं आएगा ये व्यंजन और स्वर, तो कैसे हम लोग लिखेंगे या कैसे समझेंगे क्या लिखा हुआ। हालांकि ईजी है, लोग समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह आपसे समझने का ही काम नहीं होगा। आप लिखते हैं अपने मोबाइल में, नाम फिट करते हैं, तो लिखते समय आपको दिक्कत होती होगी हमेशा। जिनको नहीं आता, जिनको आता उनके बात नहीं हो रही है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और जब अंग्रेजी को लिखेंगे तो अंग्रेजी के साथ जो स्वर है, देखिए व्यंजन जो है अपने आप में अधूरा है, उसके साथ जब स्वर मिल जाता है, स्वर 14 है, वो 14 में से कोई एक भी स्वर मिलेगा व्यंजन, किसी भी व्यंजन के साथ किसी भी कोई भी स्वर मिलेगा, तो वो क्या बनाएगा, एक अक्षर बना लेगा, और अक्षर को अक्षर में जोड़ दीजिएगा, यानी दो अक्षर मिलकर जो है हमारा एक शब्द बन जाता है, दो शब्द मिलकर जो है हमारा एक वाक्य बन जाता है ना, तो वाक्य बन जाता है, वाक्य को मिलकर जाने से बाद एक किताब ही बन जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो अक्षर गया है, ये संयुक्त अक्षर, इसे लोग भूल जाते हैं, इसे ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों स्वर पे। स्वर की संख्या 14 है, इसका भी अंग्रेजी आपको याद करना हो, जैसे कि अ को एक लिखते हैं, आ को डबल ए या सिंगल ए भी, छोटी को आई, बड़ी को डबल ई, ऊ को यू, बड़ी ऊ को डबल ओ, री को आर ई, बड़ी री को आर डबल ई। अब देखें ए को क्या लिखते हैं, ए को लिखते हैं ए ई, ए को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अन को ए एन, अ को एच, जिसमें जो है औ अन अ, औ अन अ, है ना, पढ़ते हैं वैसे लिखा जाता है। जैसे एक नाम लिख लीजिए, शमा लिखते हैं, चलिए शमा, शमा या शमा ही आ गया, श मा, शमा इस तरह से शायद लिखते हैं ना, शमा, तो कैसे लिखेंगे शमा, एस एच ए एम ए, ऐसे तो शमा यही हो गया, लेकिन एक्चुअल गुड अगर सही वे में लिखना है तो इस तरह से शमा हो गया। अब लोग समान पढ़ देंगे इसीलिए लोग ऐसे ही लिखते हैं शमा। अब ए कहाँ से आ गया, जाहिर सी बात है अ में, मैंने बताया था ना वो अधूरा है, तो श में ये श है, इसमें जुड़ गया अ,
तो ये पूरा कंप्लीट हो गया श, तो क्षमा हो गया। और बिंदी के लिए जो एन का इस्तेमाल किया, जैसे कि ए प्लस ए एन है ना, इसमें तो ए लगाने की आ की जरूरत, आ के लिए ए तो देना ही होगा है ना, डबल ए तो नहीं देंगे। अब ये दो ए मिलकर जो है ए के बन जाता है और ए एन हो जाता है, तो ये हो गया क्षमा ऐसे। तो ये नाम लिखते समय ध्यान देना आपको। अब चलिए बात करते हैं वर्ड मीनिंग्स पे, कैसे पढ़ना है। तो जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ पढ़ेंगे, फिर बाद में तोड़ कर बताऊँगा। तो ये है गैम्बल्स, गैम्बोस, गैम्बोस, गैम्ब्रेल, गेमलैंड, गेमटेज, गैमेटिक, गैमिस्ट, गैमिस्ट, गेमाइंस, गेमिंग्स, गेमर्स। फिर देखिए गैमियर, गेमिंग, गेमोंस, गैनाश, जैंडर्स, गैंजर्स है ना, गैंगिंग, गैंग्लिया, गैंग्रेल, गैंगूज या गैंग्स भी बोलते हैं, तो अब देखें कहाँ क्या उच्चारण हो रहा था, गैंग्स। नेक्स्ट है गैंगवे, एक ही चीज़ को दो तरह से पढ़ रहे हैं, गंजर्स, गैनेट्स, गैनोइड्स, गैंटलेट, गाउलर्स, गाउलिंग, गैपोसिस, गैपियर, गैपिंग, गैराज्ड, गैराज, गैरेजेज। दूसरा देखिए गैरोटेड, इट, गैरोट्स, गैरोट, गारपाइक, यहाँ आइक लिख लीजिएगा, आइक आ और ई क है ना, ई ये जो इधर आ जाएगा आइक, गैरेट्स, गैरिंग, गैरोंस, गैरोट, गार्टर्स, गार्बेज, गैस बैग्स, गार्बेज, गार्बिंग, गार्बल्ड, गार्बलर, गार्बल्स, गार्बोइल, गैरकॉन्स, गार्डेंट, गार्डेंस, गारफिस, गार्गेट्स, गार्गेटी, गार्जेटी, गार्गल्ड, गार्गलर, गार्गल्स, गैरिग, गार्लैंड, गार्लिक्स, गारमेंट, गार्नर्स, गार्नेट्स, गार्निस। तो दोस्तों ये है पढ़ने का तरीका, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, मैं फिर से इसे बताऊँगा तोड़कर। तो अब देखिए अगर हमारे वीडियो को आप डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, जहाँ आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, कह सकते हैं 860 के आसपास वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों ये संख्या बढ़ रही है अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो, जहाँ आपको रीडिंग नहीं करने आता, पढ़ने अंग्रेजी नहीं आता, तो इतना वीडियो है कि आप पढ़ना सीख ही जाएंगे, किसी से हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि वीडियोज़ में इतना ही पर्याप्त है। लिखना सीखना चाहते हैं, करेक्ट लिखना सीखना चाहते हैं, ग्रामेटिकल लिखना सीखना चाहते हैं, तो राइटिंग पे ध्यान देने के लिए आपको सब कुछ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया ग्रामर के रूल रेगुलेशन को, और जाहिर सी बात जो लिखा सुध जाएगा तो बोलना भी तो आ ही जाएगा आपको, सब कुछ सीखेंगे। बिथीजी स्टेप ना तो ग्रामर की बुक लेकर ना ही आपको ख़रीदने हैं डिक्शनरी मोटी मोटी, क्योंकि डेली यूज वाले वर्ड्स भी है, और यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखे इजी वे में। तो यह देखिए ये जो वर्ड्स है दोस्तों, ये मैंने लिया एनसीईआरटी के बुक्स से, और एनसीईआरटी के बुक्स को बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स माना जाता है, और इसमें इसलिए मैंने लिया ताकि इसमें हर एक तरह के वर्ड मीनिंग्स खुद ब खुद आ जा रहे हैं, और अच्छे वर्ड मीनिंग आ रहे हैं। अगर ऐसा वर्ड को पढ़ लेते हैं तो किसी भी तरह के वर्ड को पढ़ लेते हैं। तो वर्ड्स को पढ़ने का जो तरीका है, जो ट्रिक्स है, वो ये है दोस्तों कि किसी भी वर्ड में बनने से पहले, कोई वर्ड लिखने से पहले जो है हम लोग एक पैटर्न को समझेंगे। अगर उस पैटर्न को समझ लेते हैं तो कोई वर्ड, किसी भी वर्ड को पढ़ने में उसी पैटर्न को ध्यान देखेंगे तो पता चलेगी कौन से पैटर्न में काम आ रहा है। एक्चुअली कहने का मेरा ये मतलब है कि हर एक वर्ड अपने आप में कई वर्ड को, कई पार्ट्स को लेकर बनता है, उस पार्ट्स को समझना हो। वो कुछ पार्ट शुरू में लगते हैं, कुछ पार्ट्स अंत में लगते हैं, कुछ बीच में होते हैं, जिसका उच्चारण वॉवेल्स के थ्रू होता है। अगर आपको वॉवेल्स पे कमांड करना है तो पुराने पुराने वर्ड मीनिंग तो लेकर प्रैक्टिस करेंगे। अगर शॉर्टकट में चलना है, तेज़ी से चलना है, आज के बाद अभी के बाद अगर कुछ नहीं पढ़ना था तो आप सीखना चाहते हैं
तो यहाँ पर जो मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको देखिएगा, उस समझ में आने गए कि क्या किस कारण से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा एयर, ए वाई को ए बोलते हैं तो डब्ल्यू ए कैसा लगा, तो वेज हो गया। अब तो वेज डब्ल्यू, सिर्फ डब्ल्यू ए पे बात करते हैं, मान लीजिए डब्ल्यू है, ए है, वाई है, अगर ए वाई के पहले, ए वाई के पहले पी लिख देते तो क्या होता है, पेज हो जाता है ना, पी लिख देते पेज हो जाता, आर लिख देते तो रेज हो जाता, एस लिख देते तो सेज हो जाता है ना, एल लिख देते तो लेज हो जाता, जी लिख देते तो गेज हो जाता, कई वर्ड बन जा रहे हैं। तो खैर वो समझिएगा, तो एयर वेज, तीसरी तरह से दूसरा वर्ड होता पढ़ लेंगे, वाटर ईयर को बोलते हैं, टी लगा तो टर हो गया, वाटर वेज हो गया। न्यूज़, न्यूज़ ई डब्ल्यू को ईयू बोलते हैं, तो इनका क्या लगा ईयू, तो न्यू एस को यहाँ पर जा बोला गया था, न्यूज़ पेपर, ए के बाद ई आया तो पी ए को एक वजह से ई आ जाए वोवेल, तो ए का उच्चारण सिर्फ ए के रूप में होता है, कन्फर्म ए, न अ न आ न ए, सिर्फ ए, तो पे हो गया। वैसे ही ई आर को और बोलते हैं, पी के लगा तो पर हो गया। फिर देखिए रेडियो, रेडियो बोलते हैं, रेडियो आर ए का उच्चारण ए के रूप में होता है, रेडियो हो गया। टेलीविज़न, एस का उच्चारण यहाँ पर ज के रूप में हुआ है, एक्चुअली ऐसा इनको जन पढ़ा गया यहाँ पर, लेकिन कई बार जो है सन भी पढ़ते हैं। सिनेमा एंड इंटरनेट ए टी सी हैव बीन, सी यू एन को बोलते हैं कन, टी आर टी बी यू टी ब्यू, कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ई डब्ल्यू एस को एस बोलते हैं, प्रोग्रेस इन मैनी वेज द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशन, सन को सन बोलते हैं, एल को बोलते हैं अल, इंटरनेशनल लिवर्स हैव एडेड टू द वाइटेलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी, इट हैज एनरिच्ड आवर लाइफ एंड एडेड, देखिए सब्सटेंशियल, टी आई एल को बोलते हैं, सी एल बोलते हैं, एल वाई ली लग गया, तो सब्सटेंशियली टू ग्रो, ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं तो ग्रोविंग, एमेनिटीज आई एस को बोलते हैं इज, एमेनिटीज एंड फैसिलिटीज आई एस को बोलते हैं इज, फैसिलिटीज फॉर द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टी एन को बोलते हैं सन, सर्व एस ई आर को सर बी को सर्व एज लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशंस एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी, इट इज दस एविडेंट, एविडेंट नहीं एविडेंट, ए वी ए, एक वे बोलते हैं यहाँ पर, ई को ए बोला जा रहा है, एविडेंट ई एन टी वेंट बोलते हैं, डेंट पेंट सेंट लेंट रेंट कई वर्ड बनते हैं एंड से, दैट अ डेंस एंड इफिशियंट, इफिशियंट ई एन टी वेंट बोलते हैं, इफिशियंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टी आई एन को बोलते हैं सन, इज ए प्री री क्विज क्विसाइट फॉर लोकल नेशन, सन के साथ अल जुड़ गया है तो लोकल नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टूडे रोडवेज, रोडवेज इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 54.7 lakh किलोमीटर 2014-15 इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड, है ना, प्रीसीडेड हो गया तो ई डी को एड बोलते हैं, डी का डेड हो गया था, प्रीसीडेड प्रीसीडेड रेलवेज। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इजी वे में। तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देखिए जो सर्कल मैंने किया, उस सर्कल को ध्यान में रखते हुए दूसरे वर्ड्स को कहीं से टेक्स्ट को उठाइए, पढ़ने का प्रयास कीजिए कैसे पढ़ा जा सकता है इजी में। दूसरी बात आप जो है कैसे तोड़ कर पढ़ना है उसको पे ध्यान दीजिए। तो ए का उच्चारण पर ए के रूप में हुआ है तो गैम गैम्बल्स, ठीक है, गैम्बल्स गैम्बोज, जी को यहाँ पर ज पढ़ा गया, गैम्बोज गैम्बोज, गैम्ब्रेल गेम, एक के बाद दिया है ना तो उच्चारण ए का ए के रूप में हुआ।
ना किया है, तो गेम लैन, गेम टेज, गेम टिक, गेमिस्ट, गेमिस्ट ई एस टू गेस्ट गेमिस्ट, गेम माइंस, माइंस पढ़िए गेम माइंस, गेमिंग्स है ना गेमिंग्स, ये गेमिंग्स आई एन जी इंग गेमिंग्स, गेमर्स ई आर को बोलते हैं यार, तो गेमर्स हो गया, दे गैमियर क्या हुआ गैम, तो गेमियर गैम नहीं पढ़ेंगे गेमियर, गेमिंग आई एन जी इंग हो गया तो गेमियर, फिर नहीं गैमॉन्स गेमेंस गेमेंस, गे नाशे गैनाश, देखिए सी एच को जो है श पढ़ा गया तो गैनाश। नेक्स्ट जो है तो जैंडर्स, जी को यहाँ ज पढ़ा गया है ना कि गैंडर्स नहीं जैंडर्स, ठीक है, जबकि यहाँ पर गैंगर्स गैंगर्स जैंडर्स, डी लग गया तो यहाँ जी हो गया और जी है तो जाहिर सी बात है कभी ज कभी ग पढ़ देते हैं, गैंगिंग गैंगलिया गैंगरेल गैंगूज या गैंग्स भी लोग पढ़ते हैं, गैंगवे है ना गैंगवे, गंज गैंग गैनेट्स गैनेट्स गैनोइड्स गैंटलेट गाउलर्स गाउलिंग गैपोसिस गैपोसिस गैपियर गैपिंग और गैरेज दोस्तों इस तरह से पढ़ना है। और देखिए आप देख गैरोटेड टी डी को टेड बोलते हैं तो गैरोटेड गैरोट्स गैरोट गैरपाइक गैरेट्स गैरिंग गैरोंस गैरोट गाटस गार्बेज गैस बैग्स। नेक्स्ट है गार्बेज, ए के बाद ही आया तो गार्बेज पढ़ाए गए एज पढ़ेंगे एक्चुअली, गार्बिंग आई एन जी को इंग पढ़ा गया है गार्बिंग, गार्बिंग के बाद गार्बल्ड, गार्बल्ड के बाद है गार्बलर गार्बल्स गार्बोइल गार्कॉन्स गार्डेंट गार्डेंस गारफिस गार्गेट्स। नेक्स्ट है गार्गेटी गार्गल्ड गार्गलर गार्गलेस गार्गल्स हो गया गैरिग गारलैंड गार्लिक्स गार्लिक्स गारमेंट गार्नर्स गार्नेट्स और गार्निश। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात एक आप काम ये कीजिए कि मोबाइल को पलट दीजिए और उस कॉपी पे लिखे दो चार वर्ड्स को भी सुनिए और लिखने का प्रयास कीजिए कि क्या आप इस जो वर्ड सुन रहे हैं लिख पा रहे हैं या नहीं, अगर लिख पा रहे हैं जाहिर सी बात है यानी कि आप समझ रहे हैं कि क्या पढ़ा जा रहा है या कैसे पढ़ा जाएगा। अब चलिए दोस्तों हमेशा आपका दिमाग बनाना चाहिए वोवेल्स, जैसे कि सभी वोवेल्स में अ आ तो आ ही रहा है, ई आई की बात करते हैं तो ई ई देखिए दो दो बढ़ जा रहा है यानी पाँच में से चार चार यहाँ हो गया, ओ यू डबल ओ में देखिए ओ तो बढ़ ही जा रहा है यानी चार में से तीन तीन हो गया इस सब में है ना, तीन तीन सभी में याद हो गया, ध्यान रखना दिमाग में याद करने के भी जो है याद आ गया। अब देखिए यू को तो यू बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं, ए भी और ए को ए आई तो बोलते ही हैं। अब चले दोस्तों करना है कि पुराने वर्ड मीनिंग लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी नए वर्डिंग में पढ़ेंगे। और जैसे कि ए वाला लेते हैं हम, ए से जो चार अक्षर बोले जा रहे हैं उच्चारण हो रहे हैं वाकई इसका यूज़ है कि नहीं ये भी समझिए। तो कंपनी में ए का जो उच्चारण है वो अ के रूप में, कंपनी कंपनी नहीं बोल रहे हैं, कंपेनी नहीं बोल रहे हैं, कंपैनी नहीं बोल रहे हैं, कंपनी बोल रहे हैं। सॉल्ट में का उच्चारण अ का आ के रूप में हो रहा है, सल्ट नहीं बोल रहे हैं, सेल्ट नहीं बोल रहे, साल्ट नहीं, सॉल्ट नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं साल्ट सॉल्ट है ना आ। केयर में एक का उच्चारण क्या हो रहा है, एक रूप में हो रहा है, केयर ही बोल रहे हैं। कार तो नहीं बोल रहे। मैप में एक का उच्चारण क्या हो रहा है, माप नहीं बोलते हैं बल्कि मैप बोलते हैं यानी कि ए बोल रहे हैं। अब देखिए परफेक्ट ई वाला में दो ई है, पहला ई दूसरा ई, तो पहला ई जो अ के रूप में हुआ पर, दूसरा ई जो ए के रूप में हुआ फेक्ट,
प्रीफिक्स में पहला ई जो है आई, दूसरा ई बड़ी, छोटी बड़ी। टेन में ई का उच्चारण जो है एक रूप में होता है। सर वाला में देखिए आई का, एस आई आर सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में, और लाइन में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में। अब देखिए ओ वाले में एस ओ एन क्या बोलते हैं, सोन थोड़ी बोलते हैं, शन बोलते हैं, यानी अ का उच्चारण अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, आउट ओट नहीं बोलते हैं, अट नहीं बोलते हैं, ऊट नहीं बोलते, आउट बोलते हैं, यानी कि आ बोल रहे हैं आ। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ओ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। अब देखिए यू वाला चलते हैं, बी यू टी बट, यानी यू का उच्चारण अ के रूप में हुआ। पी यू टी पुट, यानी यू का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, ना कि पट हुआ। टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में हुआ। एफ आप देखिए डबल वाला में, एफ डबल ओ डी, एफ डबल ओ डी, तो डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ, उच्चारण क्या हुआ फ्लड। एल डब्लू के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, बड़ी ऊ कार के रूप में, तो ऊ। तो इस तरह से दोस्तों आप पुराने पुराने वर्ड्स को लेकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से किया था, तभी नए वर्ड्स को कभी भी किसी भी कहीं भी कुछ भी देख लेने के बाद एक बार उच्चारण हो ही जाता है, या 99% आप उच्चारण कर लें करेक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, ये वीडियो बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिए यहाँ पर जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका ये है, और हमारा दोस्तों प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।